आज विनोद जी की इज्जत का सवाल है, बहुत टाइम बाद आए हैं, इतने लाइक करना कि सारे रिकॉर्ड फेल हो जाएं। करें स्टार्ट। बोलो हेलो, बोलो बोलो। हेलो दोस्तों, आई एम कमिंग। कमिंग नहीं, आ गए। सो हाय गाइस, वेलकम बैक, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में या पॉडकास्ट में। वैसे पॉडकास्ट तो हो रहे हैं, पर डैडी हमने एक साल पहले वीडियो बना ली थी जब मेरे 20,000 हुए थे। फिर उसके बाद लोगों ने कहा कि भाई डैडी को दोबारा लेके आओ, तो मैंने कहा था 2,00,000 में आएंगे अब, क्योंकि डिमांड थोड़ी ज़्यादा हो रही थी। मैंने कहा थोड़ा बड़ा नंबर आएगा फिर आएंगे दोबारा डैडी। वैसे आज का पॉडकास्ट या ब्लॉग जो भी है, ये मम्मी डैडी के साथ होना था Q&A 2,00,000 का स्पेशल, बट मम्मी सो गई तो डैडी अभी बैठे हैं। मैंने कहा वीडियो फटाफट बना लो। डिमांड बाप की ज़्यादा है। हाँ, डिमांड डैडी की ज़्यादा है। तो क्वेश्चन आंसर मैंने इंस्टा पे डाल दिए थे सारे, और बहुत ही ज़्यादा आ रखे हद पार, मतलब ये देखो ख़त्म ही नहीं हो रहे। बट ऊपर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जो जो मेरे को नजरों में बढ़िया लगेंगे, जो जो बढ़िया आएंगे वो पूछता रहूंगा। बढ़िया लगे घटिया लगे जिसका आ रहा सब सारे पढ़, ठीक है? पूरी रात चलने दे आज, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उनकी लाइफ स्ट्रगल तुमको पालने पोसने में, हमको पालने पोसने में, भाई बहनों को, तुम्हारा कोई लाइफ स्ट्रगल क्या था? अच्छा, तुम बच्चों को पालने में? हाँ, वो तो सबके माँ बाप का होता है, बट तुम्हारा क्या था? स्ट्रगल यही है कि जिंदगी में हार नहीं मानी, ना मानेंगे कोई ऐसी एक, वो बताओ स्ट्रगल, कोई एक फेज क्या हुआ था जिस टाइम तुम्हारा बहुत दिमाग खराब हुआ हो कि बच्चों को पालना है? हाँ, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, एक दिन ऐसा आया कि एक पेंसिल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। पेंसिल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। और उस वक्त याद है, उस टाइम नवरात्रे चल रहे थे और कंजके बिठाने थे, तब भी पैसे नहीं थे हमारे पास, एक साथ दोनों काम हुए। पेंसिल के लिए हमने अपने रिश्तेदार, बहन भाई, चलो किसी का नाम नहीं लेंगे, किसी को बोला नहीं, पर सबको दिख रहा था कोई हेल्प करने नहीं आया। और जब कंजके बिठानी थी तो हमारे घर में एक ट्रांसफार्मर पड़ा था, एसी वाला, ये वाले कमरे में अंदर, यस पता है मेरे को, वो बेचा था, वो नहीं बेचा था, उसको तोड़ के कबाड़ी को बेचा था, उसके तांबे की तारे निकाल के बेच के कंजके बिठाई थी। ऐसे स्ट्रगल, स्ट्रगल बस इतना ही है, वो तुम्हारा स्ट्रगल कुछ भी नहीं है। खैर, हमारा स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था, जब हमारे को पढ़ाने की बात है, हमें तो पढ़ाई स्ट्रगल देखने नहीं दिया। हमारे माँ बाप ने हमें मिर्च पानी नमक डाल के रोटी खिलाई हुई है, तुम्हारा स्ट्रगल कुछ भी नहीं है। चलो कैसा भी है। दूसरा है, शादी कब कर रहे हो आयुष की? मेरी शादी कब कराओगे? पहले तेरे बड़े भाई की, उसके बाद तेरी बहन की शादी। तीसरे नंबर पे होगी, तीसरे नंबर पे होगी, वो भी तब होगी जब मेरी शर्तें पूरी होंगी। अच्छा, शर्तें क्या है वो छोड़ो, शर्तें क्या है वो, शर्तें लड़की वालों में तेरे तेरे ससुराल से बात करेंगे, उस टाइम पता नहीं क्या शर्तें, बिल्कुल देसी सी हमारी। मैं ज़्यादा लाडला किसको हूँ, तुम्हारा या मम्मी का? तू लाडला सबका है, हाँ मम्मी का ज़्यादा लाडला है। और ये है, अगर मैं यूट्यूबर ना बनता तो मेरे से क्या काम करवाते? तेरे से क्या काम करवाते, फिर तो घोड़े खच्चर वाला ही काम था, जो भी होता था ऐसे कराते। फिर से यही था कि सुनार थे, सुनारों का काम सोचा था, पर तेरी बुद्धि नहीं है कि तू सुनार को या सोने को संभाल सके, तू तेरी संभाल कम है, तो वो भी रास्ता हट गया था। फिर तेरे को बलबूते चलाना पड़ता तेरे बहन भाई के, जो काम कर रहे हैं तेरे को सपोर्ट करते हो बस। अच्छा जी, यस। और क्या कहते हैं, ये तुम सपोर्ट करते हो जो मैं यूट्यूब वगैरह करता हूँ? पहले स्टार्टिंग में सपोर्ट करते थे जब व्यूज़ वगैरह नहीं आते थे? मेरे को ये ध्यान नहीं है व्यूज़ आते थे या नहीं आते थे, सपोर्ट तेरे को हर काम में मैंने की है, चाहे तूने कितना भी नुकसान उठवाया है हमारे को, और तेरे को सपोर्ट करता रहा हूँ मैं। मेरी मर्जी यही थी कि किसी तरीके तू किसी तरीके कामयाब हो जाए, और अपने चलो अपने बलबूते कामयाब हो, किसी के आश्रय में ना रहे, पर आज तू भगवान की जैसे अपने ही पैरों पर खड़ा हुआ है, बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, भगवान करे ऐसे ही बढ़ता रहे। आप पंजाब से बिलोंग करते हो, बंदे पूछ रहे हैं, अम्बाला से? नहीं, दिल्ली में पैदा हुए? नहीं, मैं दिल्ली से बर्थ हूँ, पर जो हमारे पिछले बड़े हैं वो अम्बाला से कुछ रिश्तेदार हैं, उससे पहले और उससे पहले पाकिस्तान से आए हैं। और कुछ एडवाइस दो जो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं उनको। कुछ भी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, दोस्ती बना के रखो अपने बच्चों से, बच्चे जो हैं दोस्त हैं, जो जन्म बात है। अगर तुम आज स्टिक कर लोगे, कल वो तुमसे स्टिक करेंगे, पूरे बदले लेने वाली बात होती है, मेरी तो सोच ही है। प्यार से रखोगे तो प्यार से आगे। तुम्हें कैसा लगता है कि जैसे छोटी सी एज में मेरे को इतने लोग पहचानते हैं, मिलते हैं, ये वो जो भी है? बहुत अच्छा लगता है, सीना चौड़ा जाता है,
अपने पिताजी की याद आती है, काश आज वो जिंदा होते तो वो बहुत खुश होते क्योंकि वो पहलवानी में थे और तू भी उसी नक्शे कदम में चल रहा है, तो शायद वो तेरे को देख के ना मेरे हिसाब से और 10 साल उसकी उम्र बढ़ जाती हमारे पिताजी की अगर आज वो जिंदा होते। क्यों चाहिए, सही कह रहे हैं। यस, तुम्हारी और मम्मी की शादी कैसे हुई, कौन बिछोला था और पहली बार कब मिले थे? बिछोला था एक तेरा ताया, बीड़ी पी के हाँ कराया, पर बाकी चलो जैसा भी था जिंदगी कामयाब हो गई। किस्मत अच्छी थी तेरी मम्मी की, यहाँ पर आ गई। तुम्हारा क्या रिएक्शन होता था जब मैं पढ़ता पढ़ता नहीं था, स्कूल से कंप्लेंट आती थी? रिएक्शन यही होता था, गर्मी ज़्यादा होती थी उस टाइम, पेलते थे भाई, पेलते थे, पेल हम पेल करते थे, मारता था बहुत तेरे को मैं, पर बाकी ये है कि अब पछतावा होता है कि तेरे को क्यों मारा, अब प्यार करता था। मेरे को बचपन में क्या बनाना चाहते थे बचपन से, वो तो बता ही दिया। क्या पहलवान ही बनाना चाहते थे, दिल की ख्वाहिश। अगर बेटा लव मैरिज की जिद करेगा तो क्या करोगे? पूरी करेंगे। लड़की पसंद आई तो सब सही है। लड़की पसंद नहीं आई, लड़की से पहले उसका लड़की का खानदान पसंद आए। हाँ, फैमिली बैकग्राउंड वगैरह। यस, फैमिली बैकग्राउंड क्या और कुछ शर्तें। नया घर कहाँ लोगे? जहाँ किस्मत ले जाए, पहले सोचना बेकार है। जब भाई जब पापा ने आपको इतनी गालियाँ देते हुए देखा तो क्या थॉट आए थे वीडियो में? क्या मतलब? जब बंदे कह रहे थे तुम्हारा लड़का गाली वाली बोल देता है, ये वो वीडियो में गालियाँ देने से मेरे सामने आज तक भी गाली नहीं देता, अभी तक भी गाली नहीं देता, पर मैं ये सोचता था कि हम बदमाशों के घर में शरीफ कहाँ से पैदे हो गए, हमारे बच्चे जो गाली नहीं देते, पर वो वीडियो देख के पता लगा कि भाई ये तो हमारा भी गुरु है। पर एक बात है, मेरा बड़ा लड़का वो गाली नहीं देता, शरीफ है। वो वीडियो नहीं बताता इसलिए नहीं पता तुम्हें। वीडियो नहीं, वो उस पर भरोसा है, तू चोर है, तेरे पे भरोसा नहीं है मेरे को। अच्छा, बहू कैसी चाहिए? 2-3 क्वालिटीज। बिल्कुल अपनी बेटी की तरह चाहिए, जैसे हमारी बेटी है वैसे हमें अपनी बहू चाहिए, क्वालिटियाँ कुछ नहीं। मम्मी ने पैदा करते टाइम क्या खाया था मेरे को? सुरमई मच्छी। सुरमई मच्छी खिलाई थी, उसके बाद मम्मी ने नॉनवेज छोड़ दिया, यही ताकि ये कोई मेरे जैसा ना आए। आपकी गर्लफ्रेंड और एक्स आपके पेरेंट्स से मिली है? नहीं भाई, कोई थी नहीं ऐसी। क्या मतलब, मैंने तो हिंदी में सुना। कोई मेरी बंदी तुमसे मिली है कभी? अच्छा नहीं, वो नहीं मिली, पर मैं किसी को जानता। कोई डैडी का एक लड़ाई वाला किस्सा बेटा, एक हो तो सुनाओ। कोई एक जो आपका फेवरेट हो वो सुना दो, जो बारात भगाई थी। हाँ, बारात भगाई थी, बताओ तो। शादरे में बारात भगाई थी हमने, शादरे में मैं रहता था पटेल नगर और बड़े भाई रहते थे चैना वाले, तो करोल बाग में हमारी दुकान थी, हमारे नीचे एक रहते थे, उन्होंने कार्ड दे दिया कि आपने आना है, ज़रूर आना है, बड़ा प्यार मोहब्बत था। चलो जी चले गए, मेरे को भी ले गए, फिर पाया जी शंटी नाम था, वो ले गए, ले गए बारात में पहुँचे, बारात में नाच रहे थे, बारात में नाचते हुए तब मैं ये नहीं पीता था, खैर कैंपा में मेरे को तेरे ताए ने थोड़ी सी दे दी कि चलो ये कैंपा है पी ले, तो मेरे को समझ तो आ गई, पर मेरे को टेस्ट लगा, मैं कहा चलो पी लो कैंपा, पी लो एक गिलास नहीं 2 गिलास पी लो, सेट सेट नहीं हुआ, सुरूर चढ़ गया। पर ताया जी ने तेरे कहा कि ये नाच रहे हैं इनमें नाच, नाचने का बहुत शौक था मेरे को, मैं नाचने लग पड़ा भी, मेरे को नहीं पता था कि दुल्हन की बहनें भी नाच रही हैं, और दुल्हन की बहनें जो थी, जो दूल्हे की बहनें थी वो सबको छोड़ के मेरे साथ ही नाचने शुरू हो गई। इस चीज़ को तंग आकर जो दूल्हे का जीजा था वो कलम गया, वो चलती बारात में बारात जाती थी, पहले ऐसे नहीं है घोड़ी से बारात जाती थी, साथ में नाचते टपते जाते थे, ऐसे ही जा रहे थे हम, तो दूल्हे के जीजे ने मेरे को ना अलग से पकड़ लिया साइड पे पकड़ के, उसने बगैर पूछे कोई बात किए मेरे को गुस्सा मार दिया। साथ में था तेरा ताया, एक और भी ताया था तेरा साथ में, उसका नाम मैं नहीं ले रहा अभी, तो जब उसने मेरे को गुस्सा मारा तो एक कार थी, कार के साथ मेरी टेक थी,
मैं भी कार के ऊपर चढ़ गया। कार के ऊपर चढ़ते मैंने कहा भाई विनोद कुमार तेरे को घुसे पड़ेंगे बहुत, इसने मार दिया, दूल्हे के जीजे ने मार दिया, सारे मारेंगे। तो मैं कार पे चढ़ा, मैं कार से उछल के दूल्हे के जीजे के मुंह पे बिठकाई, एक खटाक करती वो नीचे लग जमीन पे लेट गया। मैं कहा इसको नहीं मारेगा तो तू मरेगा, वो लेट गया सारे दूर। अब दूल्हे के जीजे का, दूल्हे का भाई आ गया, तब मेरा नाम होता था करोल बाग में बदमाशी टाइप कहते थे, बड़ा शरारती था, बदमाशी टाइप ही कीता है। मैं कहा उन्होंने पहल की थी, कह रहे फिर, मैं कहा फिर ऐवे कि अगर मैनू या मेरे भरावान कुछ हरकत की गई तो दुकान तो नहीं चढ़ना, खत्म, दुकान तो नहीं चढ़ना। वो सारे इकट्ठे हो गए उधर से, तेरे ताए ने बोला कि अगर मेरे छोटे भरा ने कुछ किया तो दुकान तो टंगा कट के कट। दुकान उनकी, तुम्हारी दुकान के पास थी, नीचे थी उसकी दुकान, ऊपर हमारी दुकान थी, पर उसमें करोल बाग में नाम था भगवान की दया से, इतनी जल्दी कोई देखता भी नहीं था। उसको पता था इनसे पंगा ले लिया तो ये बिल्कुल टांगे काट ही देंगे। तो उसके बाप ने पगड़ी उतार के दूल्हे के पैरों में रख दी थी, यह हाथ जोड़े बस इतने ही ख़त्म कर दो। मैं कहा सी तो ख़त्म की ये, ना सी शुरुआत की ना सी ख़त्म कर रहे, शुरुआत तुसी की ख़त्म तुसी करवा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो असी ख़त्म करने वाले। वो लड़ाई बहुत छोड़ वो चैन वाली स्टोरी बता दो, जो चैन उठा लेते हैं, उठा नहीं लाए थे, चैन वाली बता दो। वो एक बार हमारी चाची जी के मासी की लड़की की शादी थी, बताओ भाई चैन मांगने आ जाए, नहीं झगड़ा हुआ था किसी ने, वो तब ना जूते छुपा दिए किसी गाड़ी में, किसी गाड़ी में जूते छुपाए तो उसकी चाबी जो है ना वो तेरे ताया जी को दे गई। हाँ। उस पे ही कलेश पड़ गया, उसने एक ही आवाज़ मारी थी ताया ने तेरे, मैं अंदर दुल्हन के पास बैठा था चाची जी के साथ, उसने कहा लड़ाई होगी ये विनोद आ जा बाहर। मैं तो दौड़ता गया, पूरी धर्मशाला दौड़ के चलेगी, सब ने सोचा पता नहीं कितने बंदे सब भागने शुरू कर दिए। मैंने पूछा कौन है, कह रहा ये है। अबे मेरे को नहीं पता कौन था कौन नहीं था, जिसको पकड़ा लगाया दीवार में मारी टक्कर, खूनम खून चार छः गिरा दिया, ऐसी भीड़ भाग गई, वो ही बहुत जबरदस्त। तो सच्चाई तन भी पता है। रिश्तेदारों को कैसे हैंडल करते हो जब वो कहते हैं कि तुम्हारा लड़का बदतमीज है, ब्लॉग्स में वीडियो में गाली देता है? आज तक किसी की हिम्मत ही नहीं है मेरे को कहने की, उसे पता उसका भाव ज़्यादा बदतमीज है इस मामले में, बोलने आएंगे तो जवाब लंबा ही है। और दूसरी बात क्या कहते हैं, एक सबसे बढ़िया चीज़ और एक सबसे बेकार चीज़ बड़े होने के साथ साथ जो होती है, मतलब अगर उम्र बढ़ रही है तो हर चीज़ के एक फ़ायदा होता है एक नुकसान, जैसे तुम बड़े हो रहे हो तो एक फ़ायदा क्या लगता है तुम्हें बड़ा होने का और एक नुकसान? मेरे को बड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा, फ़ायदा नहीं दिख रहा कुछ बड़ा होने का, क्यों नहीं दिख रहा ये भी पूछ ले, बताओ। शरीर बड़े होने से कमज़ोर होता है, और मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा फिट रहूँ और जवान ना रहूँ। मेरे में बचपन है अभी भी, मैं हमेशा बचपन जीना चाहता हूँ, मैं एंड टाइम तक मरते टाइम तक बचपन जीना चाहता हूँ। मेरे को अपनी उम्र नहीं चाहिए, मेरे को अपना बचपन, हंसी खेल प्यार मोहब्बत लड़ाई झगड़े। तो फिर ये छोड़ दो ना, फिट रहना तो भाई ये जो है ना ये शौक है, ये आदत नहीं है, तो गलती नहीं है, इनसे पूछ के देख लीजिए कोई गलती है, थकावट गुजरती है। दूसरी ठल वाली जो उसको मारा था पंद्रह महीने, बट्ठल की गाने तो मेरी माँ से बोल, नहीं तुम बताओ। बट्ठल की गाने ये थी जी, बिल्कुल मतलब जवानी में पैर रखने वाले दिन थे अभी, और पांडे नगर में हम रहते थे, पांडे नगर शादीपुर डिपो के साथ किराए के मकान में, और वहाँ उस टाइम एक बार कह दो लाइक सब्सक्राइब कर दो सबको, मजा आ रहा है, कहने की जरूरत नहीं है इनको, ये कर देंगे, आगे बताओ। नहीं करेंगे तो भाई अगली बार वीडियो नहीं आएगी फिर, नहीं वीडियो तो आएगी, सब्सक्राइब तो करेंगे तेरे को भी दिख जाएगा। वहाँ क्या होता था, नलके के पानी से भर के बाल्टियाँ घर में लेके आनी पड़ती थी, उससे ही नहाना, उससे ही घर की सफाई होनी, उससे ही सब्जियाँ बनती थी। तब ये नहीं होता था कि ये पानी ये आ गया तुम्हारा, बिस्लहरी आ गया, फलाना आ गया, ठंकाना, तब वो नलके से भर के लाते थे, नलके से भर के लाते थे। मेरा बड़ा भाई था सुनील कुमार, उसे हम कांगा भी कहते हैं। तो वो ना थोड़ा सा सीधा था, अब सीधा नहीं है, पहले सीधा। तो नलके में पानी भरने गए दोनों भाई नए नए, हम पांडवनगर में उस टाइम एंट्री हुई थी, महीना ही हुआ था हम पहुँचे थे, तो वहाँ लाइनें लगी होती थी। तो मैं लाइन लगा के उसको कह गया, मैं बड़ा शरारती होता था, मैं कहा यार सुनील ए पार्टी पर मैं आया दो मिनट,
वो थोड़ा सा तब तो तुलाता था, मैंने उसको बड़ी हरी मिर्चें खिलाई, अमरूद खिलाए जूठे तोते के, उसकी जुबान सही हो जाए, पर वो आज हो गई है। मैं उसको कह के गया भी ये बाल्टी भर, और मैं आया 5 मिनट में, मैं खेलने चले गया। वो कह रहा अच्छा जल्दी आ जाइ जल्दी आ जाइ, मैं ठीक है भाई, मैं जितनी जल्दी क्या ना, मैं खेल कूद के आधा एक घंटा लेट ही आया। मैंने देखा मेरी बाल्टी तीसरे नंबर पे थी, अब तक तो भर के 4 बाल्टियां घर में पहुंच गई होंगी, और फिर मेरी बाल्टी 10वें 12वें नंबर पे लगी पड़ी। मैं जब आया मैं कहा कार बाल्टियां दे हैं 4-6, पंजाबी बोलते थे पंजाबी थे, वो कहने नहीं अले डिटी। मैं क्यों की होया, कहना पट्ठल है यार पट्ठल टिशी जी पानी नहीं भरन दे रहा, सब आप ही भरी जा रहा है अपने घर में। मैं कहा पट्ठल कौन है, तू कुछ ना बोली तू कुछ ना बोली, अच्छे तो रामी मुंडा है रामी मुंडा है। मैं कोई गल नहीं अज रामी मिल लेने। मैं कहा भाई बाल्टी मैंने अपनी उठाई और सीधा उसकी बाल्टी लाके अपनी बाल्टी लगा दी। कहने लगा ओए कौन है, मैं कहा तू कौन है, कहना मैं पट्ठल। मैं कहा मैं पट्ठल का बाप, इतनी बात थी। उसने मेरी बाल्टी उठा के ना नाले में गिर दी, साथ में नाला होता था नाले में गिर दी। फिर मैंने जो पट्ठल को पेला है, मेरे को खुद नहीं पता मेरे में ताकत कहाँ से, पट्ठल को मार मार के लाल कर दिया। पट्ठल भागे इधर उधर सारे के उसका घर वो है, पट्ठल भाग के सीधा तेरी दादी के पास पैरों में। चाय के पैरों में कि मेरे को बचाओ इस कौन इस बच्चे से अपने बचाओ। मैं कहा नहीं खड़ा हो चल उठे उठे। रोन का नाम थी पाननगर, और उसमें बट्ठल को मैं कहा खड़ा हो और बाल्टी उठा नाले से 2 बाल्टी और भर के घर में रख के आ तब छोड़ूंगा। और पूरे पाननगर में वो सारे कहते बहन चो ये कौन आया पंजाबी मुंडा, कि आते ही जो किसी को पूछता नहीं था उसको इसने मार मार के उसकी कमीज वमीज बनाने मैंने सब फाड़ दी, पूरा लाल लाल कर दिया थप्पड़ मार मार के। वो इतना तंग आ गया, जिंदगी में कभी बाल्टी हमारी लगी होती 4th नंबर का था पाजी अकेला लो, मैं कहा नहीं 4th पे लगेगी, पहले पे भी नहीं लगा वो ना 5 मिनट जान लूंगा। और बट्ठल सारी जिंदगी घर में फिर हमारी रोटी खाता रहा चाय के पैरों हाथ लगा के, कहता मान गया थोड़े पुत्र नु की आया तुसी। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे डैडी इतने मस्त बोला कैसे रहते हैं, एक तो ये दूसरा तुम्हारा प्यार मस्त बोला, दिल मजबूत होना चाहिए प्यार का, सिर्फ जिंदगी में दिल में ये रखो हंसलो खेलो प्यार मोहब्बत करो यही जिंदगी है। एक पल में जिंदगी चली जानी है, देख क्या करोगे फिर वापस आगे थोड़ी ना जिंदगी जियोगे, जो जिंदगी जी रहे हो उसे प्यार से जियो खुशी से जियो और सबके साथ सबका सम्मान करके और सबका भला करके जियो, किसी का बुरा करके मत सोचो। जो तुम्हारा बुरा सोचेगा ना वो जिंदगी में उतना ही डूबता जाएगा, और जितना बुरा तुम्हारा सोचेगा उतना तुम जिंदगी में तरक्की करते जाओगे। जैसे तू तरक्की कर रहा है ना, तेरा बुरा सोचने वाले बहुत हैं, जो तेरा बुरा सोच रहा है वो उतना बुराई में गिर रहा है और उतना भगवान तेरे को तरक्की दे रहा है। ये मेरे पे यूज हो चुकी है, मेरे दुश्मन सुन रहे हैं, अब मैं गाली दे सकता हूँ यहाँ कहने के लंडे सुन रहे हैं। दूसरा है कि एक बंदा कह रहा है मैं अपनी ये जॉब वाली लाइफ से परेशान हूँ, डिप्रेशन हो रही है, कैसे इतना प्रेशर हैंडल करूँ, क्या एडवाइस दे। भाई नौकरी कर या अपना काम कर, डिप्रेशन किसी चीज़ का मत ले। नौकरी से तेरी घर का खर्चा चल रहा है तेरी ज़िंदगी चल रही है तो नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ तू कामयाब है अपने काम करने में कि मैं काम अपना कर सकता हूँ, तो पहले 1 महीने की छुट्टी ले 15 दिन की छुट्टी ले नौकरी से, बोल मत कि नौकरी छोड़ रहा हूँ, 15 दिन की छुट्टी ले उसमें अपना 15 दिन का काम चला। अगर तू चला सकता है तू अपने में मजबूत है तू अपने आप हौसला बुलंद है तो चला सकता, 15 दिन ट्राई ले उसके बाद छोड़िए काम। भाई काम छोड़ के काम करेगा नहीं चला सकेगा फिर पछताएगा, पहले हौसला बुलंद कर ले उसके बाद सपोर्ट चाहिए तो तेरा ये अंकल खड़ा तेरे साथ खड़ा हर काम के लिए। तुम्हें पहले लगता था कि कभी ये जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाएगा, विश्वास होता था? मेरे को अभी तक नहीं होता, पहले क्या अभी तक नहीं होता। सबसे ज़्यादा निखट्टू मेरा तेरा नाम ही निखट्टू रखा हुआ है, तो निखट्टू है। मैं तब तक तेरे को नहीं मानूंगा जब तक ये टेम्परेली हमारा चल रहा है ये इंटरव्यू, जब हमें मीडिया से बुलाने कोई इंटरव्यू लेने ना आए हमें पूछने ना आए तब तक तू बेकार है, सक्सेस नहीं है।
चाहे लास्ट ईदन बुलावाना तन्नु नाल बिठावाना एक ऐसा फनी मोमेंट जो खाली आप तुम्हें बताओ या मम्मी को बताओ मेरे बारे में बचपन का, मेरे को तो याद ही नहीं होगा ना बचपन का फनी कहानियां। मेरे को तेरी माँ को बताऊं? हाँ भाई, ये बचपन में ना फनी मोमेंट तेरी मम्मी को या मेरे को नहीं, काफी बंदों को पता है। हाँ मतलब घर वालों को बताओ। फनी मोमेंट ये है, ये बचपन में ना इसका बड़ा भाई सांस रोक देता था। बचपन में उसकी सांस कैसे बनी? सांस आती नहीं थी। अच्छा, आती नहीं थी सांस लेने वाली, कह रहा हूँ सांस फोली नहीं कर रहा, सांस आती नहीं थी। हंसते हंसते रोते रोते सांस रुक जाता था, उसके पेट में चूटियाँ मारो थप्पड़ मारो, जब तक उनका सांस नहीं आता था तब तक हमारा सांस रुक जाता था। तो बड़ी मुश्किल से डॉक्टर ने कहा जी ये दवाई दी कि ये चलेगी जी लगातार 3 साल, और 3 साल में एक दिन रोक दी तो फिर दोबारा ट्राई करने, वो उसको दे रहे थे अभी तो ये साथ के साथ उसको दे रहे थे। जब ये हुआ तो ये थोड़े टाइम बाद 6-8-10 महीने बाद इसको भी ये शुरू हो गया। हमें दिक्कत पड़ गई, एक हुआ उसको दिक्कत, उसको अभी दवाई दे रहे हैं, इसको क्या दिक्कत पड़ेगी। चलो जी, अब डॉक्टर के पास लेके गए, हमारे पंजाबी बाग में एक चिल्ड्रन डॉक्टर होता था हितेश, उसको दिखाया। उसने कहा कि ये मिलिट्री हॉस्पिटल लखनऊ रोड दिल्ली तिमारपुर के पास, वहाँ पर इसका इलाज कराना पड़ेगा, डॉक्टर से टाइम लेना पड़ेगा, उसके बाद इसका ऑपरेशन होगा। हमने कहा क्या है? कह रहे वो ना इसके नली से ना इसके अंदर जमा है गंद, वो निकालेंगे। चलो जी, 1 महीने के बाकी तेरी डेट मिली उसको, हमने फिर 1 महीने बाद तेरे को लेके गए डॉक्टर के पास, उसके बाद तेरे हाथ बंधवाए, ये करे इतिहास डॉक्टर से, फिर उसके बाद लखनऊ रोड। उन्होंने जब तेरे अंदर से गंद निकाला तो गंद में क्या निकला, उस टाइम बड़ी हंसी आई, गंद में निकले मरे हुए कीड़े, कछुआ छाप, बीड़ी, क्योंकि तेरे ताया आता थे वो बीड़ी पी के ऐसे फेंक देते थे और ये बीड़ी खाए, कीड़े चल रहे होते थे, कीड़ा मारता था, एक कीड़ा मार के पड़ा हुआ ये जब देखता था कोई नहीं है तो वो खा जाता था, और कोई बीड़ी कछुआ छाप, रात को हम जला के सोते थे मच्छर मर गए, भी मच्छर मर जाए रात को नींद आ जाए, कछुआ पड़ी कछुआ छाप पड़ी, पर ये खाता किसके साथ नहीं, नहीं था चोरी छिपे कछुआ छाप खा जाता था, वो सारा गंद निकला। तो बड़ी हंसी आई, मैं कहा यार ये क्या कीड़े मकोड़े कछुआ छाप ये वो खा गया, पूरी रिश्तेदारी हंसने लग पड़ी कि विनोद का लड़का तो जहरीला। तुम्हें पहली बार याद है जब अपनी क्या कहते हैं बीवी से मिले थे, मतलब मम्मी से? हाँ मिले थे, याद है। कैसे मिले थे? वो रिश्ता देखने गए थे तब मिले थे। हाँ आपकी शादी की स्टोरी क्या है, वही पूछ रहे हैं कि कैसे शादी हुई, कब पहली बार मिले? शादी की स्टोरी क्या, जब मिलाने लगे भी लड़की लड़के को मिलाते थे पहले, भी ये लड़की है लड़का है, ही उसने पहली बार शायद डाली होगी किसी भाभी की मांग के अपनी, तो मेरे को पत्थर रिश्ता। मेरा टाइम क्या हुआ, करीब 4:20। चलो 4:20 से पहले कितनी लड़कियां रिजेक्ट करी? कम से कम मेरे हिसाब से 70-72 इतने रिश्ते देखे थे? इतने रिश्ते आए थे, देखे नहीं थे आए थे। अच्छा, ना मकान था, किराए पे रहते थे, कोई मकान था पर पर्सनैलिटी थी, और कोठियों के रिश्ते आते थे, कोठी वाली वो चमीर मीर, एक तो आई रिश्ते के लिए, उसकी बहन भी आई, याद है जाई अच्छे आए थी किराए थे, साड़ी पहन वास्ते कपड़े कौन धोएगा तो भांडे कौन मांजेगा, मैं कहा जी उसके उसकी मेरी साली बोल रही थी जो साली बनने वाली, मैं कहा तू नाल आ जे वो तो अली भांडे याद ही वो इनडायरेक्टली क्या कह रही थी चाहिए तो नहीं नहीं कोई नुकरा नहीं रखो हमारी इतनी हैसियत नहीं थी, मैं कहा तू ना ला दी तू तो अली भांडे भांडे वो भी क्या रिश्ता। चलो एक गर्जावाई बनने के लिए भी तो कह रही थी तुम्हें कि माँ बाप को सब साइड करके आना, वो थोड़ी रिश्तेदारी में थे, वो नहीं एक फ्लैट लेके दे रहे थे, घर लेके दे रहे थे, एक एक थे जो फ्लैट लेके दे रहे थे, मैं कहा नहीं समझ आई नहीं लड़की ऐसी थी, मैं कहा नहीं मैंने कहा नहीं, और तेरी माँ की बात बता रहा हूँ, जब मैंने पूछा
तो कह रही 4:20 420 में का टाइम ही गलत है, तारीख पूछी 13। लोग कहते हैं 13 तारीख मनुष्य होती है, पर मेरे लिए अच्छी होती है क्योंकि 13 तारीख को बैसाखी होती है। मैं 13 तारीख को हमेशा अच्छे मानता हूँ क्योंकि तेरी गाड़ी का नंबर देख ले 1331, मैं 13 नंबर बहुत अच्छा मानता हूँ। चलो कोई बात नहीं, 13 तारीख थी। और जब देखने गए थे 13 तारीख थी, और जब सगाई हुई तो वो दिन था 15 अगस्त। मैंने कहा 15 अगस्त का दिन देश आजाद हो रहा है, हम गुलाम हो रहे हैं। तो 3 तरीके मेरे को पूरी याद हैं और उसके बाद तरीके याद नहीं रही। और तेरी नानके सारे वो कहते हैं ये ऐसा जवाई आज तक जिंदगी नहीं मिला, ना सोना सुजखा। और मैं कहना आज तक मैंने ना सोना परिवार संग चंगा नहीं मिला। अगर तुम्हें मैं कहूँ कि मैं गे हूँ तो मेरे को अपना लोगे? भाई ये तुम्हारे में होता गा, हमारे में कभी नहीं है ये चीजें, ना होंगी जिंदगी भर। अरे ना होती है ना होते जुतिया मार के बाहर कड्डा गई कह रही है भाई मेरी दादी। वो भी तो इंसान होते हैं, इंसान होते तो अपनी इंसानी जिंदगी जिए भाई। हमारे हमारे उनसे हमदर्दी है, हमदर्दी हाँ बस हमदर्दी है। जाओ कुछ रहो इधर कैमरा करते थोड़ी देर की कह रहे हो जाई अच्छा वो तो उन्ना है ठीक है। अच्छा सुन भाई फेवरेट ब्रांड दारू की, फेवरेट ब्रांड भाई फेवरेट ब्रांड तो मेरी कोई भी नहीं है, बदलता रहता हूँ मैं। पर अब टेस्ट नहीं रहा कुछ भी किसी चीज का। पहले ब्रांड होते थे बढ़िया, जेगर पियो जेगर पियो और जेगर लेकर बेकार ब्रांड कैसे बताए सुनी होगी ये पीता नहीं है। पहले मैं देसी भी पी लेता नींद एक दो बार, क्यों ये भी सुन ले जगह दे नंबर वन हरियाणा की देसी वो बहन जो महीने 15 दिन में एक बार पियो पेट बिल्कुल साफ सुथरे, लैट्रिन आती थी खुल के फ्रेश साफ पिचकारियाँ मारती हुई और साथ में खाओ। चलो बाद में और क्वेश्चन कोई बढ़िया, कैसा घर चाहिए, घर कैसा चाहिए? घर कैसा भी हो परिवार अच्छा चाहिए। घर तो हम 9 बंदे रहे हैं घर के, छोटे से झोपड़ी में जब स्टार्टिंग हमारी हुई है, कोई पलंग सोता था, कोई पलंग के ऊपर टंकी के ऊपर सोता था, कोई पैंच पेटी सोता था पेटी के ऊपर, कोई पलंग के नीचे हम सोए हैं, प्यार मोहब्बत सोए हैं। वो जिंदगी आज भी चाहता हूँ तुम्हें वो जिंदगी दोबारा आ जाए, हमें कुछ चाहिए नहीं, चाहे एक कमरा हो पर सारे साथ हाँ प्यार रहे, बस प्यार चाहिए हमें। घर ना घर परिवार से बनता है, परिवार होगा तो एक झुग्गी झोपड़ी भी तुम्हारा घर है बहुत बढ़िया। बंदे कह रहे हैं आरुष और लैला की शक्ल मिलती है, विनोद जी की कोई शरारत तो नहीं है? विनोद जी की शरारत नहीं है, विनोद जी के बाप की शरारत है जो उसके पिताजी और तेरे पिताजी की शक्ल भी मिलती थी। बुरे वक्त में कैसे मोटिवेट होते हो खुद? जब बुरे वक्त में मैं बुरे वक्त में ज्यादा मोटिवेट होता हूँ, क्यों? ये बुरा वक्त आ गया फिर ऐसा होता रहता, ये पावर देगा, यही हमें निकालेगा, यही जोश भरेगा। बुरा वक्त जिसने निकाल दिया ना वही इंसान है। तुम्हारी एक बुरी आदत जो अब तुमने छोड़ दी, ये दिखा दाना दाना नहीं खाना है खाना दाना खाना कम कर दिया। अरे वो भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले खेलते थे अभी खेलते हैं तो छोड़ा नहीं फिर कैसे बोलते भाई सच्चाई है यहाँ पर। कभी कभी शुगर मेला कर लेते हैं दाने का दिवाली में, वही बुरी दिवाली में भी नहीं कभी भी वही बुरी आदत वो बुरी आदत नहीं है वो अच्छी आदत है। पैंचो राजा महाराजा खेलते हैं। आपके शब्दों में तुम्हारी जिंदगी का एक्सपीरियंस अभी तक का क्या एक्सपीरियंस है अपने शब्दों? अच्छा करो अच्छा जियोगे अच्छा होगा, कर्मा बुरा करोगे बुरा ही होगा, कर्म और बिल्कुल
जिंदगी का स्वर नर कर्म ये इधर ही पड़ा है। जो तुम किसी का बुरा सोचोगे जिंदगी में तुम पनप जाओ, जिंदगी में तुम अच्छा सोच लो, जिंदगी में तुम्हारी जिंदगी अच्छी निकल जाए किसी का बुरा सोच के तो मेरे मुंह पे आके थूक देना। अगर तुमने जिंदगी में किसी का अच्छा सोचा है और 10 तुमने बुरे कर्म कर लिए हैं, एक तुमने अच्छाई सोच दी ना, वो एक अच्छाई भी तुम्हें पता नहीं कहाँ ले जाएगी। जिंदगी में हमेशा हौसला रखो। सबसे पहला खर्चा करने का, तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं है, तुमको 10 रुपये खर्चूंगा किसी बुरे वक्त के, किसी बुरे इंसान के लिए, तो बुरे वक्त के लिए खर्चूंगा, जितना है सब खर्च कर दो, मेरी गारंटी है। अगर तुम्हारे पास 100 रुपया है, लिख लेना और नोट भी कर लेना, एमन रुक जा नाक पे खारिश हो रही है, लिख लेना और सोच लेना, तुम्हारे पास 100 रुपया है और किसी बुरे पे कोई बुरा वक्त चल रहा है, तुम 100 रुपये का 100 रुपया उसे दे दो, खुद भूखे मर जाओ, वो 100 रुपया तुम्हें इतने 100 रुपये दे देगा तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी। पर तुम किसी का जिंदगी में बुरा मत सोचना, खास करके गरीब का और किसी बुजुर्ग का कभी बुरा नहीं सोचोगे। कभी तुम पैसे खर्चने में अपने दिल को, हैं 100 रुपये खर्च हो रहा है, 100 रुपये मेरे को पड़ा है उसमें 70 खर्च कर रहा हूँ, 100 रुपया पड़ा है तुम खर्च करने की हिम्मत रखो, 200 रुपया 100 रुपया मांग के भी खर्च कर दो, वो तुम्हारा जाया नहीं जाएगा। जिंदगी में मेरा सबक याद रखना, अगर तुमने 1 रुपया किसी के लिए खर्चा है, गाना सुन लेना पुराना संजय खान का 10 लाख फिल्म का, बहुत अच्छा गाना है, तुम 1 पैसा दोगे भगवान तुम्हें 10 लाख देगा, मेरे पे वो असर किया हुआ है, अजमाया हुआ है, तुम भी करके देखो तुम्हारे पे भी अजमाया, तुम खर्च करके देखो, एक बार दिल से सोचो खर्च करना है, भला करना है, किसी गरीब का भला करना है, किसी मजबूर का भला करना है। कोई मजबूर आ गया किसी तुमसे 2 रुपये मांग रहा, तुम्हारे पास 3 रुपये पड़े हैं 2 रुपये दे दो उसे, तुम्हारे पास 1.5 रुपये पड़ा है 1.5 रुपये दे दो, आधा रुपया फिर 50 पैसे मांग के दे दो। तुम्हारा कभी जिंदगी में बुरा हो गया तो इस विनोद कुमार को पकड़ लेना, पूरी जिंदगी जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारा जितना घाटा होगा वो मैं भरूंगा। इस जो भी इंटरव्यू घटिया सा इंटरव्यू है उसमें कह रहा हूँ कि जितना तुम्हारा घाटा होगा वो मैं भरूंगा, अगर मेरे पास है तो, मेरे पास नहीं है तो मांग के दूंगा, पर तुम करो, जितनी मदद करोगे तुम्हारा उतना बल होगा, ये मेरी सच्चाई है, लोगों की मदद जो मैंने अपने आप सीखी है। भगवान जो है वो सब देख रहा है, भगवान है सबसे खास, एक अपने शिव शंकर भोलेनाथ को और एक गुरु नानक देव जी, ये 2 भगवान को मान के देख के चलना, कभी जिंदगी पार हो जाए। अपने फायदे के बिना लोगों से दोस्तियां निभाता हूं, फिर भी वो लोग धोखा क्यों दे जाते हैं? वो अपना घाटा कर रहे हैं, जो तेरे को क्या, किसी को भी अपने फायदे के लिए कोई किसी को फायदा उठा के घाटा दे के जाता है ना, वो अपना फायदा नहीं कर रहा, वो घाटा कर रहा है, अपना नुकसान, वो आने वाले टाइम में वो घाटा खाएगा ही खाएगा, खाएगा ही खाएगा। मेरे पास लास्ट क्या इतने उदाहरण दे नहीं सकता, ऐसे कुत्ते बिल्ले हैं जो लाखों रुपये होने के बाद फरते थे, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। अब पूछो उनसे, टट्टू है तुम्हारे पास? टट्टू है किसी का बुरा करके तुम्हारे पास क्या रहा? नाइट आउट की परमिशन कैसे दे देते हो बारिश को? मजबूरी, काम की और कुछ भी नहीं, वैसे नाइट परमिशन में से लेके देखें, मजबूरी काम की है, कुछ काम को काम समझते हैं, यूट्यूब को काम समझते हैं, यही ये नहीं करते, मैं कह रहा हूँ काम समझते हैं, काम नहीं समझते, काम मेरे को समझ आता है कि काम के लिए जा रहा है तो ठीक है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, एक आध 4-6 काम में एक आध चुगलखोरी या ये दल्ला बैठा लैला, इसकी वजह से बस जाने देता हूँ, कुछ भी नहीं। कोई एक बचपन की स्टोरी और बता दो। बचपन में बड़ा शौक था मेरे को अपना हीरो बनने में, मैं बहुत पुरानी फिल्म है ये देख बहुत देख, फिर पूरी एक्टिंग करता था, चलो कोई बात नहीं आज तुम्हारे सामने खड़ा हो गया, यही बहुत मेरे लिए एक्टिंग है। डैडी का सपना ही, डैडी को भी फेमस होने का शौक है। एक बात और बता दूँ, अगर मैंने 4-6 और वीडियो निकाल दी ना, मुकाबला हो जाएगा बाप बेटे का, इसी चैनल पे आएगी वो, अलग थोड़ी ना बनेगी। आरुष का दोस्त सबसे अच्छा कौन सा लगता है और सबसे बेकार कौन सा लगता है? सारे दोस्त अच्छे हैं जो सच्चे मन से हैं, किसी एक का नाम लेना बेकार है, सारे दोस्त अच्छे हैं, और मेरा जो दोस्त है, मेरा दोस्त एक ही है लैला। ब्रूजो को आरुष जितना प्यार करते हो? ब्रूजो को आरुष पहले प्यार नहीं करता था, मैं ही प्यार करके लाया उसे घर पे,
मैं भी तो करके ही लाया था, और कैसे लाया था? तू कैसे करके लाया था प्यार? तेरे को मैंने भेजा था, तू लाया था। ये ब्रूजो जो है ये आरुष का मुकाबला करता है, हमारा बच्चा है, मेरा बेटा है। प्यार की बात ही नहीं रही, सारे बच्चे एक बराबर होते हैं बाप के लिए। जितना प्यारा आरुष है उतना प्यारा मेरे लिए ब्रूजो है। तुम्हारे क्या सपने हैं, दो तीन सपने जो पूरा करना चाहते हो? मेरे सपने दो तीन ये हैं कि जो भी मेरे टच में है, जो भी मेरे साथ प्यार मोहब्बत में है, जो भी मेरे रिश्तेदारी में, जो मेरे भतीजे हैं, भाई हैं, प्यार मोहब्बत करने वाले हैं, सब कामयाब हों, सब बराबर कामयाब हों, कोई मेरे बेटे से कम ना रहे, वो मेरे बेटों से भी ज़्यादा तरक्की करें, मेरी इतनी तमन्ना है कि सारे कामयाब। इतनी शक्ति भगवान इनको दे, मेरे घर के परिवार के बंदों को, कि कभी जिंदगी में भी कितना भी दुख इन पे आ जाए, कुछ भी हो जाए, पर ये किसी कभी भी अनजाने में भी इनसे कभी किसी का बुरा ना हो, कभी ये किसी की बद्दुआ ना लें। मेरी सोच यही है। घर वाले एक बार, घर वाले प्रोटीन के लिए नहीं मानते, वे प्रोटीन वगैरह के लिए, सप्लीमेंट के लिए ना, जो चीज़ पता है मेरे को, ये पता नहीं क्या होता है सप्लीमेंट परमानेंट, जो शरीर को नुकसान पहुंचाए वो कभी ना। सप्लीमेंट नुकसान नहीं पहुंचाता, वो जो मैं खाता हूँ प्रोटीन, वो जो ये खाता है भाई, देखो ये टीके टुके लो लेना मत, और कोई ऐसे टीके या इंजेक्शन या कोई ऐसा प्रोटीन मत लेना जो शरीर को नुकसान पहुंचाए। जो ये खाता है, मेरे को इस पर भरोसा है, वो सही है। जो ये कहता है वो खा लो, क्योंकि ये मेरे को कभी धोखे से कोई भी गलत बात नहीं बताएगा। मैं से 100 बार ये ऐड भी करता है, कुछ करता है, मैं से पूछता हूँ कि जो तू ऐड कर रहा है उससे किसी का नुकसान तो नहीं है? नुकसान है तो हमारे घर पे पड़ जाएगा भाई, ये नुकसान वो काम मत करियो जो नुकसान हो जाए। किसी का नुकसान हो, किसी का जान प्राण का नुकसान हो, किसी के शरीर का नुकसान हो, वो पैसे के लिए उसकी ऐड भी मत कर दियो, कुछ मत कर दियो। मेरे को उस पर भरोसा ये नहीं करेगा, और मैं अपने भरोसे के साथ कह रहा हूँ जो ये कहता है वो सही होगी, उसे ले लेना, मेरे पे भरोसा करके ले लेना, वो गलत नहीं होगी। उसका गलत जो कोई नतीजा होगा तो हमारे परिवार पे ही पड़ेगा। तीन अच्छी बातें और तीन बुरी बातें मेरी, दो ही बता दो, बुरी तो यही है। तीन अच्छी बातें तो इसकी ये हैं कि ये परिवार का सम्मान करता है, पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि हंसमुख रहता है, दो। तीसरा ये है कि पूरी सपोर्ट करता है यारी दोस्ती में जो भी इसके टच में है। तीन बातें इसकी ये हैं, और भी हैं, तीन पूछी थी, तीन बता दी। तीन बुरी बातें ये हैं इसकी कि ये जल्दी 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 बातों में आ जाता है किसी की भी। दूसरा गुस्से में आ जाता है जल्दी जल्दी, वो भी गलत है। और तीसरी बुराई आप ही बता दो, मैं ज़्यादा बताऊँगा तो गलत है। आप दोनों बतानी है तो देखो, दो तीन अच्छाई मैंने बता दी, दो बुराई बता दी। बाप बेटे की बुराई ज्यादा नहीं बता सकता, आप तीसरी बुराई बता देना, पर बुराई बताने से पहले तीन अच्छाई तुम ही बता क्या है। ऐसे होगी नहीं कोई बुराई इसकी, मेरे को जो लगता है। आरुष का प्यार मंदिर वगैरह के लिए देख के कितना खुश होते हो? मंदिर के लिए देख के, मंदिर के लिए देख के बहुत खुश होता हूँ। मंदिर के लिए ये हनुमान मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता नहीं करता मेरे को नहीं पता, पर मंदिर जाता है, ये बहुत बड़ी बात है, मेरे को उसमें संतुष्टि है। पर मैं उसको कहता हूँ सुबह रोज जाग के जोत जगा, मंदिर में पाठ कर, वो नहीं करता, ये तुम समझाओ। मैं जब जिम करता हूँ तो हनुमान चालीसा, पर किसी धर्म की बुराई नहीं करनी, सारे धर्म अच्छाई के लिए होते हैं, बुराई के लिए कोई धर्म नहीं है। हमारा धर्म और सबका धर्म एक बराबर है, पर हम अपने धर्म की बुराई कभी नहीं सहेंगे, चाहे कोई भी हो। माई का लाल ऊपर से उतर के भी आ जाएगा ना, अपने धर्म की बुराई नहीं सुनेंगे। पहला अपने धर्म को महत्व देंगे, दूसरे जो धर्म है उनको भी महत्व देंगे, वो भी हमारे लिए बिल्कुल अदरणीय है। पर उन धर्म को भी ये सोचना चाहिए, अपने धर्म के लोगों को समझाना चाहिए कि हमारे धर्म की बुराई किसी जगह ना हो, वो हमें बर्दाश्त नहीं है। अरेंज मैरिज या लव मैरिज क्या प्रेफर करते हो बच्चों की?
भाई अरेंज करो या लव करो, निभनी चाहिए एन टाइम तक, मरते टाइम तक वो निभनी चाहिए। जौन सी मर्जी शादी कर लो, बेकार की बातें हैं अरेंज मैरिज लव मैरिज फलाना ढमकाना। पर मैं तो ये चाहूँगा जो तुम लव भी करते हो उसको भी पहले अपने परिवारों से मिलाओ, उनके परिवार आपस में मिलते हैं तब करो। एक दो इंसान आपस में मिलके शादी कर लें, उनके परिवारों का मेल मिलाप ना हो बाद में दिक्कत होती है। परिवार आपस में मिल जाएंगे ना तो दो बंदे आपस में ऑटोमेटिक मिल जाओगे। ज़्यादातर अपने परिवार को साथ में लेके चलो। बस ये क्वेश्चन खत्म। पर एक बार मैं अपनी माँ को बिठाना चाहूँ। बुलाओ बुलाओ, कमेंट में डाल लें। अरे आजा चाहिए इस पॉडकास्ट में स्पेशल एंट्री हमारी दादी की, इसको हम जाई बोलते हैं। तू मेरे को बहन है भाई, ये हमारी चाहिए, ये भाई मेरी जिंदगी है, यही मेरी लाइफ लाइन है और यही मेरा सब कुछ है। बाय कर दो, बोलो 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 बाय। तो कुछ इसकी बुराई भी बतानी थी चाहिए मैंने? नहीं बुराई नहीं करनी चाहिए, नहीं माँ की कोई बुराई नहीं, ये चाहिए बाय कर दे। बाय कर दे तू भी पक्की दे। तू दे ये बहुत लैग दास तेरा आदमी कितना खुश होता आज देख दा दे अनु बड़ा। मैं रोज सोचती हूं पापा के गाइस आज की वीडियो यहीं। इस पिछली वीडियो पे 30,000 लाइक है तो इस पे 100,000 लाइक का एम रखेंगे। हेलो सुन, आज विनोद जी के इज्जत का सवाल है, बहुत टाइम बाद आए हैं, इतने लाइक करना कि सारे रिकॉर्ड फेल हो जाएं। अगर दिल से विनोद जी को चाहते हो तो जो देख रहे हैं लाइक करते जाना, सबके फोन से करते लव यू। और अब डैडी एक हफ्ता नीचे कमेंट पढ़ते रहेंगे तो सारे कमेंट डैडी के लिए करते रहना। ओके बाय बाय बोल दीजिए। चलो।